नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में हुए विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन पर तंज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष का महागठबंधन सिर्फ मोदी के ही खिलाफ नहीं, देश की जनता के भी खिलाफ है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन की कवायद जब से शुरू हुई है, तभी से बीजेपी नेताओं द्वारा विभिन्न मंचों और मीडिया विमर्श में यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए सभी दल एक हो गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को बीजेपी मोदी वर्सेस ऑल कहकर प्रचारित कर रही है, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि मोदी वर्सेज ऑल की इस तस्वीर में सच्चाई कितनी है। क्या वाकई में पूरे देश में आगामी लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस ऑल के आधार पर होगा? शनिवार को कोलकाता में विपक्ष की महारैली की तस्वीर ने एक बार फिर इस विचार को मजबूत किया, लेकिन यह कहानी दो तथ्यों को छिपाती हुई देखी जा सकती है। पहला यह कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव राज्य स्तर पर लड़े जा रहे चुनाव का नतीजा होता है। दूसरा यह कि राज्यों में गठबंधन का बीजेपी को भी उतना ही फायदा मिला है जितना उसके विपक्षी दलों को। याद कीजिए, साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी शाह के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के आगे तमाम छोटे क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार थे। इसका स्थानीय स्तर पर बीजेपी को फायदा हुआ और केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन 2019 की सियासी बिसात में कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न राज्यों की स्थिति पर नजर डालें तो मोदी वर्सेस ऑल के पीछे की हकीकत साफ हो जाती है। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हुए पिछले आम चुनाव में बीजेपी अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच गठबंधन था। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो यूपी में ये दोनों दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब भी खड़े हैं, तो दूसरी तरफ सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन है, जबकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यूपी में दो तरह के गठबंधन आमने सामने खड़े हैं, और अगर कोई अकेला खिलाड़ी है तो वो कांग्रेस है, न कि बीजेपी। दूसरे बड़े राज्य बिहार की सियासी हकीकत पर नजर डालें तो यहां आगामी चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू और रामविलास पासवान की एलजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। यही नहीं, बीजेपी ने यहां दो सांसदों वाले जेडीयू को 17 सीटें भी दी, जबकि एनडीए गठबंधन के सामने कांग्रेस लालू यादव की आरजेडी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, शरद यादव की जनता दल और वाम दलों का गठबंधन है। लिहाजा यहां भी चुनाव मोदी वर्सेज ऑल नहीं बल्कि गठबंधन बनाम गठबंधन होना है। महाराष्ट्र में भी आगामी चुनाव से पहले तय गठबंधन के दलों के बीच मुकाबला है, जैसा कि 2014 में भी था, जहां एक तरफ बीजेपी शिवसेना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी। हालांकि शिवसेना बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पिछले कुछ दिनों से हमलावर है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी को रोकने के लिए दोनों दल गठबंधन बरकरार रख सकते हैं। देश में सीटों के लिहाज से किसी बड़े राज्य में अगर प्रधानमंत्री मोदी अकेले खड़े हैं तो वो है पश्चिम बंगाल, लेकिन यहां मुकाबला मोदी वर्सेस ऑल ना होकर मोदी वर्सेस ममता होगा। यहां विधानसभा चुनाव वाम दलों के साथ लड़ी कांग्रेस की राज्य इकाई अभी तय नहीं कर पाई है कि वे टीएमसी के साथ जाए या वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े। तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके केंद्र में मोदी सरकार की सहयोगी मानी जाती है और उम्मीद है कि फिल्म स्टार रजनीकांत के नए दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। हालांकि एआईएडीएमके ने हाल में 3 तलाक विधेयक के मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध किया था, जबकि दूसरी तरफ डीएमके कांग्रेस वाम दलों का गठबंधन है और यह माना जा रहा है कि फिल्म स्टार कमल हसन की नई पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल होगी। इस लिहाज से तमिलनाडु में भी मुकाबला गठबंधन बनाम गठबंधन
या गठबंधन बनाम AIADMK बनाम BJP होने के आसार हैं, न कि मोदी वर्सेस ऑल। केरल में एक तरफ लेफ्ट का गठबंधन LDF से है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में UDF खड़ी है। वहीं तीसरा कोण BJP गठबंधन का है और ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लिहाजा यहां भी मोदी वर्सेस ऑल नहीं है। देश में कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां यह कहा जा सकता है कि यहां मुकाबला मोदी बनाम गठबंधन है। यहां विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ रही कांग्रेस और JDS BJP को रोकने के लिए साथ में सरकार चला रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों दल लोकसभा का चुनाव भी साथ लड़ेंगे। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की बात करें तो यहां भी BJP या उसकी सहयोगी क्षेत्रीय दल सत्ता में है। सीटों के लिहाज से पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में BJP बोडो पीपल्स फ्रंट का गठबंधन बनाम असम गण परिषद बनाम कांग्रेस बनाम बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुकाबला है। असम गण परिषद इससे पहले BJP के सहयोगी रही है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर उसने समर्थन वापस ले लिया, जबकि बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कह चुके हैं। BJP के सहयोगी दल नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि मेघालय और मणिपुर में साझा सरकार चला रही है, और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में BJP की लड़ाई या तो कांग्रेस से है या फिर क्षेत्रीय दलों से है, इसलिए यहां भी मोदी वर्सेस ऑल का सीन नहीं बन रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शुरू से ही कांग्रेस और BJP में सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन यहां भी क्षेत्रीय दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सपा, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी। राजस्थान में भी भारतीय ट्राइबल पार्टी BSP और हनुमान बेनीवाल की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, जबकि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी और BSP के बीच गठबंधन था। लिहाजा इन राज्यों में कांग्रेस BJP के बीच मुख्य मुकाबला होने के बावजूद क्षेत्रीय दल इन दोनों पार्टियों से लड़ रहे हैं, इसलिए यहां भी मोदी वर्सेस ऑल की तस्वीर बनती नहीं दिखती। छोटे राज्यों की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस अकेले खड़ी है, दूसरी तरफ BJP अकाली का गठबंधन है, तो वहीं तीसरा कोण आम आदमी पार्टी का है, इसलिए यहां का मुकाबला कांग्रेस बनाम BJP अकाली बनाम आप होगा, न कि मोदी वर्सेस ऑल। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां भी कांग्रेस, BJP और आम आदमी पार्टी तीनों दल एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि हरियाणा का मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसमें कांग्रेस, BJP और INLD के बीच मुकाबला है। तो यह मुकाबला मोदी वर्सेस ऑल कैसे हुआ? वैसे मेरा यह जरूर मानना है कि भले ही अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन हो, लेकिन निशाने पर तो भाजपा ही है, और देर सवेर ये सभी दल चुनाव के पहले मोदी सरकार पर एक ही सुर में, एक ही भाषा में हमला करेंगे। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर चुनाव परिणामों में भाजपा या NDA को बहुमत नहीं मिलती है तो ये सभी दल मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि कैसे भी मोदी को 2019 में प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर रखा जाए। तो ऐसे में भले ही सीटों और पार्टियों के आंकड़े जो भी कहें, लेकिन ये मुकाबले अंततः मोदी वर्सेस ऑल ही हुआ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।